40 से 50 हम प्रतिदिन नोटिस जारी कर रहे हैं। फाइन है और अगर आप फाइन भी नहीं भरते हैं तो आपके एस्टेब्लिशमेंट को बंद करने की भी बात हो सकती है, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है वो फ्रेश वाटर में ज़्यादा पनपता है। गुरुग्राम में बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर जनित बीमारियों से रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन किया, साथ ही स्कूल कॉलेज से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि एक अभियान चलाया जा सके। इस सीजन में डेंगू के अभी तक 13 जो है वो कन्फर्म्ड केसेस हमारे पास आ चुके हैं और अभी भी सैंपलिंग की जांच चल रही है। संभवतः आने वाले एक दो दिनों में या आज शाम तक या कल तक जो भी रिजल्ट आएंगे तो इनकी संख्या में डेफिनेटली इजाफा हो सकता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों में, या मैं कहूं कि अपने इस जीवन में, जो है मानसून सबसे ज़्यादा शायद सक्रिय रहा और अभी तक कंटिन्यू है और आने वाले कुछ दिनों तक और कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार डेंगू के मामले पिछले कुछ सालों से ज़्यादा आएंगे। संभवतः डेंगू के ज़्यादा केसेस रहेंगे, मलेरिया संभवतः उस कदर नहीं आया क्योंकि मलेरिया के अभी तक सिर्फ 2 ही केस रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल, हमने इसके लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की एक मीटिंग पहले भी कर चुके हैं, एक दूसरी मीटिंग और सोमवार को फिक्स करी गई है। इसके अलावा जिसमें इसमें डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में सभी डिपार्टमेंट्स को शामिल किया जाता है, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट से, फिशरी से, एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट से, और अगर मैं कहूँ GM रोडवेज और GM BSEL से, जो गुड़गांव में अलग से बस सर्विसेज हैं, काम करती हैं। इनका मेन पर्पज़ हमारा ये है कि सभी डिपार्टमेंट का एक कोऑर्डिनेशन हो और IIC एक्टिविटीज़ करी जाए जिसमें बच्चों को बताया जा सके डेंगू से और मलेरिया से कैसे बचना है। और बाकी इन दूसरे डिपार्टमेंट का मेन काम ये रहता है कि जहाँ पानी इकट्ठा है या वाटर बॉडीज बन रखी हैं उनको किसी तरह से सुखाया जाए या उन गड्ढों को भरा जाए। जिला प्रशासन की माने तो अब तक करीब 9,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। आपको बता दें कि इन दिनों जिनके यहाँ पर भी डेंगू के लार्वा मिले हैं उन्हें जिला प्रशासन नोटिस दे रहा है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस करेंगे कि जिसका जो भी छुट्टी का दिवस है उसको वो ड्राई डे के रूप में, यानी सूखा दिवस बनाए ताकि मच्छर क्यों जो फ्रेश वाटर में लार्वा पनपता है वो ना पनपे। तकरीबन 9,000 से ज़्यादा हम नोटिस जारी कर चुके हैं और लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पिछले इस 15 दिनों में हमने ऑलमोस्ट 40 से 50 हम प्रतिदिन नोटिस जारी कर रहे हैं और इस महीने में उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे कि रिपीट करने की, जिन लोगों के पास नोटिस सर्व किए हैं और उनके पास दोबारा मिला तो डेफिनेटली इस बार चालान किया जाए। फाइन है और अगर आप फाइन भी नहीं भरते हैं तो आपके एस्टेब्लिशमेंट को बंद करने की भी बात हो सकती है और फिर आप जानते हैं अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो अल्टीमेटली फिर आपके अगेंस्ट FIR भी दर्ज करने का प्रोविजन है क्योंकि ये सब नोटिफाइबल डिजीज। बारिश के मौसम में डेंगू मलेरिया मरीजों की संख्या में इजाफा होता है और इस बार ज्यादा बारिश हुई है। ऐसे में CMO साहब भी मान रहे हैं कि इस बार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ेगी, कि बारिश की वजह से ज्यादातर फ्रेश वाटर, और बार बार बारिश होना ये फ्रेश वाटर को न्योता देता है, हर बार एरिया में अगर पानी भरता है तो वो, और डेंगू का मच्छर दिन में ज्यादा एक्टिव रहता है और खास करके जो मॉर्निंग और इवनिंग का जो डॉन टाइम बोलते हैं या सनराइज टाइम बोलते हैं उस वक्त ये बहुत एक्टिव रहता है। तो ऐसे में मैं ये तो नहीं कहूँगा, पहले कोविड की वजह से बच्चों को पहले ही वो था, घर से बाहर निकलना वो था, अब कोविड का संक्रमण तो कम है, लेकिन एक बार फिर रिक्वेस्ट रहेगी सारी गुड़गांव से और प्रदेश की जनता से, अपील रहेगी अगर आप बाहर जाते हैं खास करके इन दो टाइम में, और अब मौसम इस बार ऐसा है कि आप फुल स्लीव के कपड़े पहने और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप कोई ना कोई रेपेलेंट अगर आपको लगाना पड़ता है तो वो लगाएं। और मच्छरों के से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि शाम को अंधेरा होने से पहले, एक घंटा पहले कम से कम, आप अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद जरूर रखें क्योंकि ये मच्छर उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। जिला प्रशासन डेंगू की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर डेंगू के डंक पर लगाम लगाने की योजना बना रही है, साथ ही आम लोगों से भी स्वास्थ्य विभाग अपील कर रहा है कि डेंगू के मच्छर को पनपने ना दे और अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।